आकाश गोयला मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म डम डम डमरू का स्क्रीनिंग मुंबई में हुआ, जहां पर इस फिल्म के सभी कलाकार मौजूद थे। वैसे इस फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में अभिनेत्री सनाया ईरानी, अनिल चरणजीत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक खुद आकाश गोयला हैं। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म को लेकर फिल्म की टीम ने क्या कुछ कहा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आकाश ने जो मैसेज कन्वे करना चाहा कि हमारा जो जजमेंट होता है लोगों को लेके, जो पहला जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो परसेप्शन बना लेते हैं उस पर्सन के बारे में। और एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। जब हम किसी को पर्सनली जानना शुरू करते हैं तो कुछ और ही हमें पता चलता है उसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज एक शॉर्ट फिल्म के जरिए कन्वे करने की कोशिश की। बहुत ही सिंपल सी कहानी, बहुत ही प्यारी, एंड में ट्विस्ट भी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम रियली थैंकफुल टू आकाश एंड द कास्टिंग डायरेक्टर। माइंड में आ गया कि हाँ, एक शॉर्ट फिल्म है और लेट्स सी, मैं पढ़ता हूँ। पहले तो जब मैंने पढ़नी शुरू की तो फिल्म एक फ्लो में चल रही है, तो जो आखिरी में जब ट्विस्ट आया तो मुझे लगा ये कमाल का सब्जेक्ट है। इमीडिएटली मैंने निखिल को फ़ोन किया, जो कास्टिंग जिन्होंने किया, उनको कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। शूटिंग का ये हमने एक दिन में पूरा फिल्म का शूट फिनिश किया। जिस तरह से आकाश बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर थे फिल्म को बनाने के लिए, जो उनका विजन था वो बहुत क्लियर था, तो एक दिन में हम इसे फिनिश कर पाए। कमाल का शॉकिंग जब पहली बार आपने सुना, आपको कैसा फील हुआ? हम लोग जानते हैं अब तो विकी डोनर के बाद से आई थिंक बहुत लोग जानते हैं। कैसा रहा रिएक्शन जब आपने सुना? नहीं, जानता तो पहले से था, और आई थिंक विकी डोनर ने बहुत अवेयरनेस ला दी इंडिया में उस फिल्म में, तो अब काफ़ी टाइम हो गया, लोगों को पता है इसके बारे में, तो इतना कुछ शॉकिंग नहीं रहा। बट हाँ, जिस तरह से स्टोरी में ये कैरेक्टर रिवील होता है कि आखिरी में वो इस तरह का इंसान नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, वो एक स्पर्म डोनर है, तो वो एक ट्विस्ट था जो फनी भी था, इमोशनल भी था एक सेम पॉइंट पे। तो आई थिंक ये कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। कारोबार नहीं कहेंगे आप इसको, बट आई थिंक स्पर्म बैंक्स है जहाँ पर ये, मुझे पता नहीं, मैंने कभी, मुझे भी जितनी नॉलेज है फिल्म से इंटरनेट के जरिए, बट डेफिनेटली होता है, प्रोफेशनल तरीके से होता है, लोग करते हैं। ये हर फिल्म को बना के होती है क्योंकि मेरा पैशन है, और एजेंडा हमारा फिल्म बनाने का ये नहीं होता कि हम ये बताएं कि भाई कि आप पैसे बनाएं या कोई इंटरेस्टिंग फिल्म बनाइए वो दिखाएं। हमारा एजेंडा, मेरी हर फिल्म का एजेंडा ये होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाऊं जो आप सोसाइटी में हो रही है, जो सोसाइटी में हो रही है, बट वी लुक एट इट वेरी डिफरेंट, बट आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और एड्रेस अगर कर भी रहे हैं तो उसको आप, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी फिल्म देखें और फिर आप बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज था और छोड़ दें उसको। मैं चाहूँगा कि आप उसको प्रैक्टिस करें। मैं भी, मेरे को भी पता है कि बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई और उसके दो दिन बाद ही मैं किसी को जजमेंटल बिहेवियर की तरह, आई मीन आई वाज जजिंग समबडी, और मैं अपने ब्रेन में बार बार प्राइम कर रहा हूँ कि मैं ये गलती दोबारा ना करूँगा। सो आई वुड जस्ट आस्क एवरीबडी जो भी फिल्म देखे कि वो एक बारी, सिर्फ एक बारी वेट करे किसी की टू स्माइल, और उसके बाद सोचे कि वो आदमी कैसा है, या फिर एक बार इस फिल्म के बारे में सोचे बिफोर यू जज समबडी। सेंसिटिव नहीं है, आई थिंक दिस इज व्हाट एवरीबडी डज। आई थिंक हर कोई जजमेंटल होता है। आई हैव बीन जजमेंटल अबाउट सो मेनी थिंग्स, सिचुएशंस, पीपल, एंड लाइक आकाश सेड, इट्स अ वेरी डे टू डे थिंग दैट एवरीवन फेसेस, बट नो वन रियली केयर्स अबाउट थिंकिंग ट्वाइस अबाउट। सो इट्स जस्ट अ मैसेज दैट ही इज लाइक रिमाइंडिंग पीपल दैट थिंक वंस बिफोर यू जज समबडी। लाइक आई सेड कि बहुत लोग अलग अलग वॉक से आते हैं लाइफ में, उन पे क्या बीता है, वो कहाँ से आए हैं, एवरीवन हैज़ अ जर्नी, और हम सिर्फ उनको दो मिनट के लिए देख के वो पूरी जर्नी जज कर लेते हैं बिना जाने कि वो जर्नी क्या है, हम उनको पूरी तरह से जज कर लेते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि हर इंसान में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हर इंसान में, एंड आई थिंक इफ यू आर पॉजिटिव टूवर्ड्स समबडी यू विल ओनली ब्रिंग आउट द पॉजिटिव साइड। तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जब मैं किसी नए इंसान को मिलती हूँ, अगर मैं देखती भी हूँ कि उनमें शायद गुस्सा है या इनसिक्योरिटी है या कुछ है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि वो भूल जाओ, अच्छी चीज़ें निकालो उस इंसान का, तो शायद
it will help both of us know each other better. मैं इतनी जल्दी एक्चुअली जज नहीं करती हूँ. मैं टुडे इन द डे somebody asked me एक कंटेस्टेंट के बारे में जिसके साथ मैं काम कर रही थी. दे वर लाइक, आप जब पहली बार उनसे मिले तो आपने क्या सोचा? तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा. दे वर लाइक, आपका क्या इम्प्रेशन था? मैंने कहा कोई इम्प्रेशन नहीं था. अभी एक दिन बाद मुझ पर इम्प्रेशन पड़ा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड ही इज़ लाइक दिस एंड ही इज़ लाइक दैट. बट ऑनेस्टली जब मैं उस रूम में मैंने एंटर किया, मैंने कुछ नहीं सोचा. मैंने सोचा पहले काम करो, फिर पता चलेगा कि इंसान कैसा है. तो लोग थिएटर में जब बैठे थे और ओनर की बात आई, सब शॉक हो गए थे. कौन शॉक हो गया था? आप शॉक हो गए थे. पहला रिएक्शन क्या था जब आपके कान में इस तरीके की बात आई? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में इस तरीके का कैसा रिएक्शन रहा इस पर? हिंदुस्तान में ये चीज़ें होती है, इट्स नॉट कि नहीं होती है, होती है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. एंड आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग शॉक थे, और अगर थे देन आई थिंक लोगों को जजमेंटल होना कम होना होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैपन्स. लोग गिव इट फॉर वेरियस रीजन्स. सम पीपल वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल, मेक अ फैमिली. बहुत लोग पैसों के लिए करते हैं एंड दैट इज नन ऑफ आर बिजनेस. ये होता है. एंड वॉट आकाश वॉज ट्राइंग टू से थ्रू दिस फिल्म इज दिस, कि तुम एक इंसान को ऐसे कैसे जज कर सकते हो इस बेसिस पे कि what he is doing, why he is doing it, nobody knows. You're only looking at what he is doing. Sperm का रसनाया, sperm का व्यापार होता है, आप ये मानते हैं? Of course होता है. जी जी. कैसे नहीं होता है? Why don't you come, Anil? Come, please come. Yeah, definitely. Don't be judgmental. इतना अच्छा subject है, अच्छी सोच है, क्योंकि वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, खाली इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है. मुझे किसी भी टाइप की एक्टिंग इंटरेस्ट नहीं, वेदर इट्स ऑन द वेब, वेदर इट्स ऑन टीवी, वेदर इट्स अ फिल्म, वेदर इट्स थिएटर. मुझे अपना काम करना है. आई एम अ ग्रीडी एक्टर, तो जहाँ मुझे अच्छा काम दिखेगा मैं उस वहाँ भागती हूँ. डजंट मैटर कि 10 लोग देखते हैं कि 10,000 लोग देखते हैं. आई हैव बीन लकी कि अब तक बहुत लोगों ने मेरा काम देखा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट मैं बस अच्छे काम की तरफ भागती हूँ. काफी आपका विक्टर इस सीरियल में देखा जाता है मैम, और शायद कोई सीरियल छूट भी नहीं है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? मैं अभी कोई नहीं, मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती हूँ. जब कुछ कॉन्फर्मेशन होगा, जब मैं बता पाऊंगी, मैं खुशी खुशी सबको बताऊंगी.